brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल के हंगामे के बीच में एक और बड़ा कांड हुआ है। राज्यपाल पर लगा है महिला की यौन उत्पीड़न का आरोप। राज्यपाल के सेक्स स्कैंडल का हल्ला वही पार्टी मचा रही है जिसकी सरकार है और सरकार के राज्यपाल से बनती नहीं है। आरोपों के घेरे में है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। आरोप है कि राजभवन में काम करने वाली एक अस्थायी महिला कर्मचारी ने छेड़छाड़ करने का आरोप उन पर लगाया। पीड़ित महिला ने राजभवन परिसर में बनी पुलिस चौकी के प्रभारी से शिकायत की थी। चौकी प्रभारी ने हेयर ट्रेट थाने की रिपोर्ट के अंदर राजभवन आता है और राजभवन में शांति कक्ष में तैनात और अस्थायी महिला स्टाफ ने नौकरी पक्की करने के बहाने छेड़छाड़ की शिकायत की। यहां से नया हंगामा शुरू हुआ और पुलिस के जांच शुरू करते ही राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पुलिस के राजभवन में घुसने पर रोक लगा दी। राजभवन के बयान में कहा गया कि राज्यपाल ने चुनाव के दौरान राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए अधिकृत नाजायज दिखावटी और प्रेरित जांच की आड़ में राजभवन परिसर में पुलिस के प्रवेश पर बैन लगा दिया है। राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली ममता सरकार के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के भी राजभवन पर रोक लगा दी गई। कोलकाता दार्जिलिंग और बैरकपुर में राजभवन परिसर में भी जाने पर रोक लगा दी। उन्होंने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल से सलाह मांगी है। बंगाल में राज्यपाल पर छेड़खानी के आरोपों से सनसनीखेज मची हुई है। खुद ममता बनर्जी कह रही हैं कि एक बार नहीं दो बार यौन शोषण किया। राज्यपाल आनंद बोस से सीएम ममता बनर्जी की बनती नहीं। सरकार की नियुक्ति के वक्त ही सीएम आनंद बोस सीएम ममता बनर्जी के बीच में अधिकारों को लेकर वैसे ही तनातनी बनी रहती है जैसे जगदीप धनखड़ के समय होती थी। राज्यपाल के खिलाफ मौका तार रही फौरन छेड़खानी के मामले को तान दिया गया। तृणमूल कांग्रेस ने पीएम मोदी को भी लपेट लिया। हंगामे के बीच में मोदी चुनावी दौरे पर बंगाल में थे। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राजभवन छेड़छाड़ मामला में और भी महिलाओं को इसी तरह परेशान किया गया। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह में नारी का सम्मान में यकीन रखते हैं दोनों, तो उन्हें इन पीड़ितों के लिए इंसाफ सुनिश्चित करना चाहिए। आप पहले बयान सुनिए, सागरिका घोष सांसद है तृणमूल कांग्रेस की, उन्होंने क्या कुछ कहा है। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर एक गंभीर आरोप लगाया गया है। एक महिला ने कहा है कि आज ही जब वो राजभवन गई तो राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया, छेड़छाड़ किया, उनको सेक्सुअली हरास किया और मोलेस्ट किया और गलत व्यवहार किया। महिला अब पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है जहां वो अपनी शिकायत दर्ज कर रही है और ये आरोप इसी दिन लग रहे हैं जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता पहुंच रहे हैं और मोदी जी राजभवन में ही ठहरेंगे। क्या मोदी जी राज्यपाल से सफाई मांगेंगे? क्या मोदी जी पूछेंगे कि इस तरह की घटना कैसे घटी राजभवन में? राजभवन की गरिमा के ऊपर अब सवाल उठते हैं। राज्यपाल आनंद बोस ने आरोपों को गलत बताया है। राज्यपाल बोस ने आरोपों को इंजीनियर्ड नैरेटिव बताते हुए उन्हें इसे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मोड़ दिया। कह रहे हैं कि बदनाम करने की कोशिश है, अगर कोई बदनाम करके कुछ चुनावी फायदा चाहता है तो ऊपर वाला उसका भला करे, लेकिन वो बंगाल में भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ लड़ाई नहीं रोक सकते हैं, ये राज्यपाल का कहना है। महिला जिस शांति कक्ष में तैनात थी वो जनता की शिकायतें सुनने के लिए बनाया गया है, सीधे राज्यपाल तक पहुंचती है सरकार। राज्यपाल बनते ही आनंद बोस ने शांति कक्ष शुरू कराया था और तब पंचायत चुनाव में भी भीषण हिंसा हुई थी। शांति कक्ष को लेकर भी ममता और राज्यपाल के बीच में अशांति बनी रहती है। उधर देखा जाए तो सीवी आनंद बोस को राज्यपाल मोदी सरकार के समय बनाया गया। 1977 बैच के आईएएस अफसर आनंद बोस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2022 में राज्यपाल नियुक्त किया था। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के बाद आनंद बोस को बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था। बीजेपी को भी कहना पड़ा केस की जांच होनी चाहिए कि क्या आरोप सही है या किसी साजिश का हिस्सा है। टीएमसी की ये पॉलिटिक्स है, ये कितना नीचे जाएंगे मुझे मालूम नहीं है।
हर एक व्यक्ति, हर एक पद को देश का, उसको और बदनाम करने के लिए राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अब राज्यपाल, हर एक पद को, ये उनकी ये राजनीति है, ये चरम पर आ गए हैं, अब तो जाने का समय हो गया। बंगाल में बीजेपी ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को चुनाव में मुद्दा बनाया हुआ है। आरोप लगे कि तृणमूल के शह पर संदेश खाली में बहुत सारी महिलाओं के साथ बर्बरता की गई, जमकर राजनीति के साथ जांच भी चल रही है। ऐसे समय राज्यपाल पर ही महिला के साथ अत्याचार के आरोप लगे हैं और अत्याचार के आरोप से बीजेपी फंस भी गई है। बिना जांच के नतीजे तक पहुंचे बीजेपी के लिए कोई स्टैंड लेना घातक भी साबित हो सकता है, लेकिन चुनावी माहौल है, देखना होगा कि आखिर राज्यपाल पर जो आरोप लगा है वो कहां तक पहुंच पाती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।